हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या अब झारखंड में नीट यूजी काउंसलिंग का और भी राउंड कंडक्ट करवाया जाएगा या फिर इस साल के लिए काउंसलिंग का सभी राउंड समाप्त हो गया है। और सेकंड हम बात करेंगे कि आपका स्टेट काउंसलिंग का सिक्योरिटी मनी कब तक रिफंड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि झारखंड में स्ट्रे राउंड भी 30 सितंबर को एंड हो चुका है और स्ट्रे राउंड तक में MBBS और गवर्नमेंट BDS की ऑलमोस्ट सभी सीटें फुल हो चुकी है, तो अब MBBS की फर्दर राउंड की काउंसलिंग होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन यदि गवर्नमेंट या प्राइवेट BDS और BHMS की सीटें बची होगी तो इसके लिए एक स्पेशल राउंड भी चलाया जाएगा। हालांकि अभी इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, जब आएगा मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जिसके लिए आप लोग इस वीडियो का वेट कर रहे थे। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि आपका स्टेट का सिक्योरिटी मनी कब तक रिफंड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चाहे ऑल इंडिया या फिर स्टेट का सिक्योरिटी मनी हो, काउंसलिंग का सभी राउंड एंड होने के बाद रिफंड प्रोसेस में लगभग 1.5 से 2 महीना का समय लग जाता है। और जैसा कि अभी झारखंड में BDS और BHMS के लिए एक और स्पेशल राउंड कंडक्ट हो सकता है, तो ये सभी को ध्यान में रखते हुए एक एक्सपेक्टेड डेट का बात करें तो आपका सिक्योरिटी मनी नवंबर के मिड या फिर नवंबर के लास्ट तक आ सकता है। इसके लिए अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। हाँ, एक चीज़ जो आप सभी को करना है वो है अपने अकाउंट को चेक करते रहना है। तो फ्रेंड्स, अपडेटेड रहिए इस चैनल के साथ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।